लोकसभा इलेक्शन नजदीक हैं और मुल्क में बंटवारे की सियासत भी जमकर हो रही है। तमाम सियासतदान अपने अपने हिसाब से मजहब की राजनीति को साधने में लगे हुए हैं। ऐसे माहौल में राजस्थान की बूंदी से सुकून देने वाली खबर सामने आ रही है। यहाँ एक मेडिकल स्टोर पर इस्माइल नाम के शख्स काम करते हैं, लेकिन रमजान के महीने में इस्माइल को किसी तरह की परेशानी ना आए। एक रोजेदार के एहतराम में इस्माइल के गैर मुस्लिम साथी उनकी मदद के लिए कुर्बानी देते हुए नजर आते हैं। इस्माइल के साथ काम करने वाले पंडित जी रोज अपनी पूजा वक्त से पहले पूरी इसलिए कर लेते हैं ताकि इस्माइल को अपनी इबादत में परेशानी ना हो। और यही नहीं, पंडित जी अपना दोपहर का खाना भी नहीं लेकर आते क्योंकि रोजेदार के साथ काम करते हैं, लिहाजा पंडित जी अपने घर दोबारा जाते हैं और खाना खाकर वापस आते हैं। साथ ही पंडित जी इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कि इस्माइल अपनी सभी नमाजें वक्त पर अदा कर सके। ये खबर इस वक्त इंटरनेट पर वायरल है, जिस पर लोग अपने रद्द अमल जाहिर कर रहे हैं। आज में रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है, तो मैं इसमें कहना चाहूँगा कि यहाँ मेडिकल की शॉप है, हम लोग काम करते हैं, हमारे साथ स्टाफ है, पंडित जी भी है और भी बहुत से हैं, तो हम लोग सब एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। और जब उनके मंदिर का टाइम होता है तो हम वो भी जाते हैं और हाथ वाथ के वो पूजा वूजा करके आते हैं, फिर तब हम जाते हैं और ऐसे ही हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनी हुई है। सब एक दूसरे से भाईचारे की तरह रहते हैं और ऐसे ही हमारा फैमिली टर्म्स और अच्छा होता है।